जबरदस्त तरीके से मैच जीतने के बाद आरसीबी आ पहुंची है प्ले ऑफ टू में, जिसे कहेंगे क्वालिफायर टू। वहीं सामने होगी राजस्थान रॉयल्स, जो कि हार के आ रही है और आरसीबी जीत कर आ रही है। एक टीम का मनोबल ऊपर है, एक का नीचे है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह आखिरी बाजी जो कि रह गई है फाइनल से सिर्फ एक कदम की दूरी पे है। तो कौन पहुंचने वाला फाइनल में और कौन जाएगा यहां से घर, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा कल, पर उससे पहले बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। बैक टू माई चैनल दोस्तों, जल्दी से बात करें कल के एक बेहतरीन मैच की, जो कि एक रॉयल बैटल, और वहीं वो है क्वालिफायर टू। जो भी टीम यहाँ से जीतेगी वो जाएगी फाइनल में, और जो भी टीम यहाँ से हारेगी वो जाएगी घर। तो फाइनल से मात्र एक कदम की दूरी पर खड़ी हैं दोनों ही टीमें। तो क्या कल यहाँ पर एक हमें जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा, ये तो दोस्तों तुम्हें बताएगा समय। पर समय से पहले बताने वाला हूँ मैं। पहले बात कर लेते हैं इनकी पिछली मुलाकात की। तो इस आईपीएल में ये दोनों टीमें दो बार भिड़ी हैं और दोनों ने ही हिसाब बराबर किया है। जी हाँ, पहली बार जब ये टीम भिड़ी थी वो था वानखेड़े का स्टेडियम। वहां पर एक हाई स्कोरिंग मैच, थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला था, जहां पर 170 रन चाहिए थे आरसीबी को और आरसीबी ने वो जीत लिया था। वैसा तो लग रहा था कि शुरू में विकेट गिरने के बाद कि नहीं जीत पाएंगे, पर कार्तिक ने जबरदस्त, और उनका साथ दिया था सहमत अहमद ने, तो जबरदस्त मैच देखने को मिला था और वहां से आरसीबी ने जीता था। पर इस जीत का बदला पूरा किया आरआर ने पुणे में, जहां पर उन्होंने एक रियान पराग के 50 रन की बदौलत 144 रन बनाए थे। लग नहीं रहा था कि वो जीत पाएंगे, पर आरसीबी को उन्होंने रोका और 10 विकेट लिए और उनको 29 रन से पुणे में हराया और हिसाब करा बराबर। तो ऐसा ही कुछ हिसाब हुआ इनका, बराबर रहा इस आईपीएल में। और अब बिड़ चुके हैं, खेलेंगे तीसरा मैच इस आईपीएल में। तो किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये बताना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी, पर बताऊंगा मैं तुम्हें इस वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो पूरी देख लेना। वही दोस्तों, अगर हम बात करें प्लेइंग 11 की, तो आरसीबी तो भैया जीत के आ रही है, तो चेंजेस तो बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं आरआर दोस्तों जो है वो हार कर आ रही है, और क्योंकि वो हार के आ रही है, पर उनकी जो बेस्ट प्लेइंग 11 थी वो वही थी, तो उसमें हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। राजस्थान के साथ एक दिक्कत यह आ रही है कि दोस्तों जो उनकी बैटिंग लाइनअप है उसमें से मुश्किल से एक दो प्लेयर ही चल पा रहे हैं, जिस वजह से वो बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकामयाब हो रहे हैं। साथ नहीं मिल रहा है किसी भी बड़े प्लेयर को छोटे प्लेयर से, क्योंकि या तो एक दो प्लेयर ही परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। जॉस पटेल ने पिछले मैच में रन मारे थे, पर उतनी तेजी से नहीं कि एक बड़ा स्कोर बना दिया जाए। वहीं सैमसन भी अच्छे टच में दिख रहे थे, पर उनके आउट होते ही टीम समटने लगी और जैसे तैसे स्कोर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा था। फिर भी मैच जीत रहे थे, पर प्रसिद्ध कृष्णा के आखिरी ओवर वो 3 छक्के तो भैया सभी को याद रहेंगे, तो वो तो हो गई पुरानी बात, पर इस पे थोड़ा सुधार करना पड़ेगा रॉयल्स को अगर जीतना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं टॉस की। टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मैच खेला जाएगा अहमदाबाद के इस बेहतरीन ग्राउंड में, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्राउंड है। तो दोस्तों ये है एक बैटिंग पैराडाइज, और बैट्समैनों को यहाँ पर आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। बॉलरों के लिए एक बार फिर से होने वाली यहाँ पर सजा। तो दोस्तों यहाँ पर टॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर जो भी टीम पहले खेलती है तो उसको 200 तो कम से कम मारने पड़ेंगे, और 200 नहीं तो 180 तो मिनिमम यहाँ पर मारने ही पड़ेंगे अगर मैच जीतना है दोस्तों। वहीं अगर चेस में बात आती है, तो चेस में दोस्तों यहाँ पे ऑस पड़ेगी, ड्यू पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर कम स्कोर हुआ तो। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के विनर की। तो जहाँ की हमने देखा कि भैया एक एक मैच से ये बराबर चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आखिरी जो कल मैच खेला जाएगा वहां पर राजस्थान दोस्तों, क्योंकि राजस्थान 2008 में पहली बार फाइनल में खेली थी और फाइनल जीती थी। उसके बाद से ऐसा लगा राजस्थान पे ग्रहण की, उसके बाद से वो कभी उन्होंने फाइनल का मुंह नहीं देखा, तो इस बार वो फाइनल से बिल्कुल एक कदम दूर खड़े हैं और वो चाहेंगे कि भैया जीते। वहीं आरसीबी भी चाहेगी कि भैया फाइनल के इतने करीब खड़े हैं तो भैया जीतना तो चाहिए, पर जीतेगा तो एक ही, वो कौन होगा वो मैं बताता हूँ दोस्तों। मुझे लगता है कल राजस्थान रॉयल्स जीत जाएगी और आरसीबी को हो जाएगा वहाँ से कल बैक पैक। आप भी कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए